नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबको बहुत बहुत हेल्थ विश करते हुए, आजकल इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं कि मैं आपको हेल्थ विश करूं। आज की बात के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा आपसे CBSE ऑब्जेक्टिव क्राइटेशन के बारे में। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या चल रहा है देश के अंदर हालात, और CBSE एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांस कितने हैं। बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं, भैया CBSE एग्ज़ाम होने के चांस कैंसिल कितने, आपको क्या लगता है, आप लगातार अभियान चला रहे हो, उसका क्या परिणाम निकलेगा। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा हमारे साथ कौन कौन है अभी। इसके अलावा हम बात करेंगे CBSE ऑब्जेक्टिव क्राइटेशन की, और हम ये भी बात करेंगे कि जो नया सेशन है 2020-21 का, उसमें सिलेबस रिडक्शन का क्या प्रक्रिया चल रही है। कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूँ, उसकी बातें भी करेंगे। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 3 बातें हैं। रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा, मैं इस अवस्था में, जबकि मुझे मैं ठीक नहीं हूँ, फिट नहीं हूँ, इस अवस्था में अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो समझ लीजिए मैं कितना आपके लिए सोचता हूँ, कितना प्यार है मेरे अंदर, और कितना मैं आप लोगों के लिए दिन रात सोचता रहता हूँ कि मैं एक क्षण के लिए भी चैन से नहीं बैठता हूँ। आप मेरे ट्वीट्स देख सकते हैं, शायद मैं 6000 ट्वीट कर चुका हूँ तक CBSE एग्ज़ाम कैंसिलेशन और सिलेबस रिडक्शन के लिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे कोई ज़्यादा बड़ा महान इंसान मानो, ऐसा कुछ नहीं है, ना मुझे कोई क्रेडिट चाहिए। वन बाई वन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं CBSE ऑब्जेक्टिव क्राइटेशन की। बच्चे दो दिन से कह रहे थे भैया CBSE ऑब्जेक्टिव क्राइटेशन पर वीडियो बनाइए। मैंने कहा यार देखो, बच्चे कह रहे सर बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बना दिए। देखो बच्चों, वीडियो बनाना बहुत आसान काम है, कुछ भी बोल दो खड़े होकर और कुछ भी इधर उधर की बातें करके 7-8 मिनट की वीडियो बनाओ और आपको दिखा दो। आप लोग इतने परेशान हो इस टाइम कि आप कोई भी वीडियो, चाहे उसका कंटेंट बिल्कुल जीरो हो, आप उसको व्यू दे ही देते हो, उसको वहाँ से पैसे मिल जाते हैं, उसका काम हो जाता है ख़त्म। मेरे से ऐसा नहीं होता, मेरे से ऐसी, मेरा दिल नहीं मानता, मैं नहीं कर सकता है चीज़ें, मुझसे नहीं होती, मैं पैसे के पीछे कभी भागता नहीं हूँ, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है भगवान महादेव के साथ वजह से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआ से, मैं बहुत थोड़े में काम चलाने वाला इंसान हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आप प्लीज़ घबराइए मत, परेशान मत हुआ करो, रिलैक्स रहा करो, बिल्कुल भगवान के ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। सबसे पहले CBSE क्राइटेशन, ऑब्जेक्टिव क्राइटेशन पर बात करते हैं। मैंने क्यों वीडियो बनाई लेट, और अभी भी ये वीडियो फाइनल नहीं है, स्मार्ट बोर्ड की मैं वेट कर रहा हूँ बस, जैसे ही मैं ठीक होऊंगा थोड़ा सा। अभी मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने कपड़े धोए थे तो मेरी हार्ट बीट 150 चली गई थी। आप सोच सकते हैं इतनी ज़्यादा हार्ट बीट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस भगवान की और आप लोगों की दुआएँ हैं। तो CBSE ऑब्जेक्टिव क्राइटेशन क्या है? CBSE कंपेटेंसी बेस्ड अपना जो पूरा एग्ज़ाम का सिस्टम है उसको बदलना चाह रही है। CBSE छटपटा रही है अपने एग्ज़ाम के सिस्टम को बदलने के लिए। असल में CBSE नहीं छटपटा रही, CBSE के ऑफिसर्स, पुराने ऑफिसर्स हैं, वो नहीं चाहते कुछ भी चेंज हो, पुराने ढर्रे पर चलना सबकी, सबको अच्छा लगता है, ना स्कूल चाहते हैं ना CBSE चाहती, चाहते हैं मोदी जी। जो मोदी जी हैं ये कुछ अलग चाहते हैं हमारे देश में करना। इस बंदे में कुछ बात है, भले ही आप पॉलिटिकली उनसे सहमत ना हो, मैं भी उनसे बहुत सारी बातों में सहमत नहीं रहता, लेकिन इस बंदे में एक बात है कि ये देश को प्यार करता है, इस तिरंगे को प्यार करता है। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये लाई गई जो है 2021, ये क्यों लाई गई है इसको आप समझिए। इससे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी आपको पता है? कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, बिना गूगल करे कितने लोगों को याद होगा, चाहे वो बच्चे हों या यूट्यूबर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, बिना गूगल करे बिना पढ़े बताना कब आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इससे पहले। चलो मैं बता देता हूँ, 1986 में इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी। 1986 के बाद कितने प्रधानमंत्री बने, क्या किसी को याद नहीं आया, क्या किसी को याद नहीं आया कि एजुकेशन पॉलिसी चेंज होनी चाहिए? अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, क्या किसी को नहीं लगा कि एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना चाहिए? किसी भी देश की तरक्की, किसी भी देश का जो इम्पोर्टेंट होता है, प्रोग्रेस होती है, इम्पोर्टेंस होती है वर्ल्ड के अंदर, वो उसके एजुकेशन पे डिपेंड करती है। हमारे देश में शिक्षा का मतलब होता है डिग्री प्राप्त करना। हमारे देश के लड़के सोचते हैं डिग्री मिल गई हमें नौकरी दो, भाई नॉलेज तो तुम्हें है नहीं, नौकरी कहाँ से मिलेगी? दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से CBSE कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ला रही है, मतलब CBSE को ये अंदाज़ा हो चुका है कि अब जो है कोविड के बाद से सिचुएशन बहुत तेज़ी से चेंज हुई है। स्कूलों को भी ये बात पता चल चुकी है, स्कूलों को भी ये खतरा है। एक मिनट, ऑल इज वेल। स्कूलों को भी ये खतरा है कि भाई हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, स्कूलों को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। वो सिस्टम चला गया, ये क्वेश्चन कर लिए, रट लिए, पास हो गए, अब हमें बदलना पड़ेगा। तो CBSE एक फ्रेमवर्क पे काम कर रही है, मेरे पास भी, मेरा भी नाम उस फ्रेमवर्क में है, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट उसमें लगे हुए हैं। एक फ्रेमवर्क बन रहा है जिसमें 20 से 30% तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा अगर डीप नॉलेज रखते होंगे उस चीज़ की तभी आप उसका आंसर दे पाओगे। कुछ क्वेश्चन होंगे थिंकिंग बेस्ड, जिनको आप पहले हॉट्स कहते थे, आप कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी होंगे, लेकिन धीरे धीरे CBSE चाह रही है कि वो अपने पूरे सिस्टम को ऑब्जेक्टिव कर दे, ताकि आजकल जो दिक्कत आ रही है, जैसे हम एग्ज़ाम कैंसिल करवाने के पीछे पड़े हुए हैं,
और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो CBSE चाह रही है कि अगर हम अपना पूरा सिस्टम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो फिर फ्यूचर में कभी इस तरह की दिक्कत ही नहीं आएगी। ऑनलाइन टेस्ट हुएंगे, जैसे आप देखा होगा आपने, मैं आपके वो लेता था मेंटीक्विज, इसी तरह से बहुत सारे सिस्टम हैं जिनमें आप इस तरह के टेस्ट डिजाइन कर सकते हो, जिनको बैटरी टेस्ट कहते हैं टेक्निकल भाषा में, जिसमें बच्चा चीटिंग नहीं कर सकता चाहकर भी। बहुत से बच्चों को लगता है ऑनलाइन टेस्ट मतलब चीटिंग, नहीं। ऑनलाइन टेस्ट को अगर साइंटिफिकली डिज़ाइन किया जाएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाले जाएंगे, तो कोई भी बच्चा ऑब्जेक्टिव टेस्ट में नकल नहीं कर सकता। IIT JEE का एग्ज़ाम होता है, उसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है, क्या बच्चे नकल कर सकते हैं? जब पहली बार ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था IIT JEE का, तो ये माना जाता था कि नकल होगी, लेकिन नकल नहीं हुई बच्चों, नकल करना पॉसिबल ही नहीं है। पेपर का स्टैंडर्ड आप ऐसा बनाइए कि कोई नकल नहीं कर पाए, उसके लिए बहुत एक्सपर्ट लोगों की टीम चाहिए। आजकल जो हमारे स्कूलों में टीचर हैं, और ज़्यादातर उनको नहीं पता कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनने हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्राइटेरिया क्या होता है। जब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, मतलब मैं ऑफिस जाऊँगा अपने, जब मेरी थोड़ी हेल्थ सही हो जाएगी, तो मैं स्मार्ट बोर्ड पर पूरी प्रेजेंटेशन मैंने बना ली है, उसकी पूरी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, आपको पास करने का जुगाड़ क्या है, अगले साल 9th, 10th, 11th, 12th में बच्चे कैसे पास होंगे, बोर्ड में कैसे पास होंगे, 9th और 11th और 10th और 12th में क्या डिफरेंस आ जाएगा, होम एग्ज़ाम का मतलब और बोर्ड का मतलब अलग रह जाएगा क्या, क्या बोर्ड की इंपॉर्टेंस रहेगी, मैं सब बातें मैं डिस्कस करूँगा। आप कमेंट करके बताइएगा क्या आप ये इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हो क्या। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं भैया हम तो बहुत पढ़े थे, आप कैंसिल करवाने पर लगे हुए हो, हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। पहली बात, एक तो एग्ज़ाम कैंसिल करवाना बोर्ड का 12th का इतना आसान नहीं जितना सोच रहे हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं मैडम अनुभा श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, मैडम अनुभा श्रीवास्तव के फादर कोविड पेशेंट हैं, बहुत मतलब सीरियस हैं, वो उसमें लगी हुई हैं और हमारा साथ भी दे रही हैं, मैं भी कोविड पेशेंट हूँ, हम सब लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं और हम दिन रात ऑफिशियल से कॉन्टैक्ट में रहते हैं। CBSE एग्ज़ाम 12वीं के हम कैंसिल इसलिए करवाना चाह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता हज़ारों लाखों बच्चे हॉस्पिटल में पड़े रहें, या समझ जाइए आप, मैं नहीं चाहता, मुझे पता कोविड क्या चीज़ है, मुझे कोविड हुआ है, मैं समझ सकता हूँ। या जिसके घर में अगर कोविड पेशेंट हो, कमेंट करिएगा, उसको पता होगा कोविड क्या चीज़ होती है। ठीक होने के बाद भी हालत बिल्कुल, आदमी का शरीर ख़राब हो जाता है, कुछ पता नहीं है क्या कब हो जाए, कुछ पता नहीं है, बहुत अंदर अंदर ही शरीर को काटता रहता है इंसान के। नंबर 2 आते हैं अब कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मैंने बता दिया आपको, 30% तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, हॉट्स क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको सोचना पड़ेगा। अब वो रटने वाली विद्या खत्म हो जाएगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई वाली में ऐसे लोगों को सम्मान मिलेगा जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिन पढ़ने में अच्छे मतलब रटने में नहीं, दिमाग जिनका अच्छा है, खासकर बैक बेंचर जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हो, आपका अब टाइम आने वाला है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपके लिए बनी है, बैक बेंचर से मेरा मतलब उस बच्चे से है जो रटता नहीं है, जो वही पढ़ता है जो उसको अच्छा लगता है, और जो पढ़ता है जो अच्छा लगता है उसको डीप जाके पढ़ता है, और जब तक उसको समझ में नहीं आता वो आगे नहीं जाता, उसको कहते हैं बैक बेंचर बच्चा मेरे हिसाब से। रटने वाले बच्चे रट कर IIT JEE पास कर लो, नीट पास कर लो, डॉक्टर बन जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, कभी खुश नहीं रहते क्योंकि उनको नॉलेज तो होती नहीं। रटंत विद्या कभी खुशी नहीं दे सकती। एक मिस्त्री जिसको कुछ करना आता है उसको जो खुशी होती है फेस पर, आपकी गाड़ी ठीक करने के बाद या आपका पंखा भी ठीक कर दे, वो खुशी किसी में नहीं हो सकती है। सेकंड नंबर पर आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिलेशन की प्रोग्रेस क्या है। बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिलेशन की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, बहुत से बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर मैसेज करते हैं, मैं भरसक प्रयास करता हूँ, आजकल चूंकि मैं बेड पे लेटा रहता हूँ तो रिप्लाई भी करता हूँ, कमेंट्स भी रिप्लाई करता हूँ। शायद बच्चे कहते हैं कि सर आप सबसे ज़्यादा रिप्लाई करने वाले टीचर हो यूट्यूब पर, जो सबसे ज़्यादा रिप्लाई करते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चे ही कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, और ये मैं जानबूझ कर नहीं करता, मुझे आप लोगों से इतना प्यार है, मुझे खुद ही नहीं पता चलता है, मैं सोचता हूँ छोटे छोटे कमेंट का रिप्लाई करूँ, क्योंकि पता नहीं किस बच्चे को किस विश्वास से मुझे कमेंट कर रहा है, क्या दिक्कत है उसको, कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट, तो कितने चांस है, 50% चांस है। हमारी अलग अलग राज्यों की सरकारों से बात चल रही है, मैं लगातार मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री, निशंक जी खुद बीमार हैं, उनसे मैं लगातार कॉन्टैक्ट में हूँ, उनको रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग, गेट वेल सून का मैसेज करता हूँ, वो रिप्लाई भी करते हैं, कई बार उनका स्टाफ रिप्लाई करता है, कोशिश कर रहे हैं। सरकार बुरी नहीं है, सरकार बच्चों के साथ है, सरकार बहुत फंसी हुई है इस टाइम, मरीजों की जान बचाना मुश्किल पड़ रहा है, सरकार को भी बात पता है आपके एग्ज़ाम 4 मई से थे, पोस्टपोन हो गए हैं, मई में एग्ज़ाम होने का कोई चांस नहीं है दोस्तों, एग्ज़ाम जून में अगर हुए तो जून में होंगे, वैसे तो मुश्किल लग रहा है होंगे, बहुत कम चांस है कि एग्ज़ाम हो पाएंगे ऑफलाइन मोड पे, हालांकि सरकार कोशिश करेगी, या सरकार ये भी कर सकती है कि ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम लेने की कोशिश करे, या अंदर अंदर एक सिस्टम चल रहा होगा, ये सारी बातें मैं आपको अभी नहीं बता सकता, जैसे मुझे कन्फर्म होंगी तब बताऊँगा। चूँकि आपको पता है अनुराग तेरी क्लासेज एग्ज़ाम जानकारी कभी भी फेक न्यूज़ नहीं बना सकता है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम 4-5 वीडियो बना दें एक ही चीज़ की। मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल देखे, मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि उनका अपना काम है, जो अपनी बुद्धि होती है उसके हिसाब से इंसान काम करता है, वो सेम खबर को 10 दिन तक वीडियो, एक ही बात की वीडियो, एक ही दिन में 4 वीडियो 10 वीडियो 10 दिन तक एक ही वीडियो बनाते रहते हैं और आप देखते भी रहते हैं। तीसरी, एम्बुलेंस। देखिए एम्बुलेंस, मेरे पीछे आपको लगातार एम्बुलेंस की आवाज़ आएगी, लगातार एम्बुलेंस 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 एम्बुलेंस, ये हालत है, ये मैं खड़ा हूँ, हमारे घर के बाहर ये मेन रोड है,
मेजर मोहित शर्मा मार गए। मेजर मोहित शर्मा जो कारगिल में शहीद हुए थे, लगातार यहाँ पर देख सकते हैं आप। इतनी सारी मैं मतलब पूरे दिन मुझे आजकल एम्बुलेंस की आवाज़ आती रहती है। खतरा है बच्चों, बहुत बड़ा खतरा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिलेबस रिडक्शन पे क्या चल रहा है। सर कल मैंने एक वीडियो बनाई थी छोटी सी कि सिलेबस रिडक्शन पर बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आए हैं और बहुत अच्छी खबर आने वाली है। तो मैं कोई भी बात आपको ऐसे ही नहीं कहता, हमारी बात चल रही है बहुत अच्छे लेवल पर है और सिलेबस रिडक्शन की खुशखबरी आपको ज़रूर मिलेगी। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। कुछ बच्चे कह रहे थे भैया सिलेबस रिडक्शन मत करवाओ क्योंकि हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी, फिर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आप नीट या आईटी की तैयारी कर रहे हो तो भाई नीट आईटी की तैयारी का बोर्ड की तैयारी से कोई लेना देना नहीं होता। नीट वाला बच्चा और आईटी वाला बच्चा अलग तैयारी करता है, बोर्ड वाला बच्चा अलग सिस्टम की तैयारी करता है। दूसरी बात, जो सिलेबस आपका एडिशनल होगा वो नीट और जेई का आप अलग से पढ़ लेना, और नॉलेज तो कभी बुरी नहीं होती। अगर आप में ताकत है, आप हिम्मत रखते हो, आप पढ़ना चाहते हो तो आप अलग से पढ़ सकते हो, अगर आप में ताकत नहीं है तो आप ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम बात बोर्ड वाले बच्चों कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं। सभी बच्चे आईटी का एग्ज़ाम नहीं देते, सभी बच्चे नीट का एग्ज़ाम नहीं देते, सब बच्चों का अपना अपना फंडा होता है, सब बच्चे अपने अपने हिसाब से काम चला रहे हैं। हमें सबके लिए सोचना है, मास के लिए सोचना है, मास प्रमोशन। और चूंकि इस साल सिलेबस रिडक्शन हुआ है 30% का, तो पिछले साल से भी ख़राब स्थिति इस साल है। इस साल तो स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं बिल्कुल भी, इस साल तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं हो रही है, बहुत सारे स्कूल तो फीस की वजह से बच्चों को क्लास ही नहीं दे रहे थे। तो इस बार की जो स्थिति है बच्चों की बहुत बुरी है पिछले साल से, तो इस साल तो एटलीस्ट 40% सिलेबस रिडक्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से। और सिलेबस में से बहुत सारे पार्ट होते हैं जो काम के नहीं होते हैं। अरे पढ़ने वालों, सिलेबस की बहुत सारी चीज़ें बेकार की हैं जो आपके काम की नहीं है, उनको रिडक्शन करना ही अच्छा होता है। मेरी बातें सुनिए, मैं बहुत सोच समझ कर कुछ भी काम करता हूँ, आप ये मत सोचिए। मैं हर बच्चे के बारे में सोचता हूँ, मुझे आपसे प्यारा कोई नहीं इस दुनिया में, आप ही के लिए जीता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, आपके लिए मरता हूँ। हॉस्पिटल में पड़े पड़े आपने देखा होगा मेरी कंडीशन क्या थी, मेरा ऑक्सीजन लेवल 85 चला गया था, तब भी मैं आपके लिए सोच रहा था, आपके लिए ट्वीट कर रहा था। इससे आप समझ सकते हैं कि मैं आपके लिए कितना सोचता हूँ। आप इस चैनल को अपना प्यार दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इस वीडियो को लाइक करें कोई या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इस वीडियो को शेयर करें या ना करें कोई बात नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें कोई बात नहीं, ये दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, तुम्हारे लिए धड़केगा। सारी बातें मैंने डिस्कस कर दी है, सिलेबस रिडक्शन पर बहुत हम अच्छी पोजीशन में हैं, बहुत जल्दी है कुछ अच्छा होने वाला है। एग्ज़ाम कैंसिल के 50% चांस हैं अभी, उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है सरकार समझेगी इस बात को। और रही बात ऑब्जेक्टिव क्राइटेशन और जो हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उसके मैंने बता दिया। अब जो पेपर बनेंगे आपके आगे 9th, 10th, 11th, 12th के, बल्कि 8वीं के भी या छोटी क्लास के भी, वो ऐसे पेपर बनेंगे जिनमें वही बच्चा आंसर दे पाएगा जिस बच्चे को नॉलेज होगी, जो बच्चा समझ के पढ़ेगा। रटने वाले बच्चों का टाइम चला गया है, अपने आप को बदलिए, अपनी आप पढ़ाई करिए, और सबसे बड़ी बात अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, किसी बच्चे का स्कूल फीस के लिए अननेसेसरी परेशान कर रहा हो कमेंट करिएगा स्कूल के नाम के साथ, और अगर कोई पर्सनल बात करनी हो तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी atc.anuragtyagi@gmail.com। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे मुझे ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, और मुझे हमारा एक जो ग्रुप है टेलीग्राम पर अनुराग डे क्लासेस का, उसको भी फॉलो करें, वहाँ पर मैं बहुत सारी आपको लेटेस्ट खबरें देता रहता हूँ। एक बात और ध्यान रखिए, बोर्ड को 4 सीरीज़ की मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही डॉक्टर मुझे हरी झंडी देंगे या आप सर पढ़ा सकते हो। अभी देखिए पेन हो गया मुझे, यहाँ पर मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो गई शायद, मैं देख लेता हूँ, तो चलिए देख लूँगा बाद में। और मैं बोर्ड की 4 सीरीज़ शुरू करूँगा, और जो मैंने फॉर्मूला बुक बताई थी वो भी मैं देने वाला हूँ। ये मैं सोचिएगा बस, ये दुर्भाग्यवश मैं बीमार हो गया, लेकिन सौभाग्यवश आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं फिर खड़ा हो गया। और दोस्तों पॉजिटिव रहिएगा, कोरोना नहीं, थॉट पॉजिटिव, और भगवान का नाम लेते रहिए, और जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों। और पॉजिटिव रहिए, और अपने भाई का सपोर्ट करिए, और एक बात ध्यान रखिएगा बस, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता क्यों करता हूँ, बट बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू ऑल, ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा, डरिए मत।